न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखना। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए फ्री पिथ बॉल मास 10 ग्राम। पिथ बॉल कौन सी होती है? कागज की या कॉर्क की बनी हुई हल्की सी बॉल है और उसका मास कितना है? 10 ग्राम है। उसके ऊपर चार्ज भी है 5×10⁻¹ ग्राम। तो हम बना लेते हैं एक बार कि भाई मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बॉल हो गई, पिथ बॉल है और इसका मास कितना है? 10 ग्राम। और इस पर चार्ज कितना है? 5×10⁻¹ कूलम इस पर चार्ज है। व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? हमें क्या करना है, एक बॉल क्यू है जो उसके 3 सेंटीमीटर नीचे रखी हुई है, बॉल क्यू, और कितनी दूर है? 3 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर नीचे रखी हुई है। तो वो कहता है कि इस पर कितना हम चार्ज दें मैग्नीट्यूड, और उसका नेचर भी क्या होना चाहिए, सो दैट अपर बॉल रिमेन स्टेशनरी। शर्त यह है कि ऊपर की जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। तो हमें अगर इस बॉल को रेस्ट में रखना है, स्टेशनरी रखना है, तो इस पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब फिलहाल इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो बॉल का जो वेट है वो क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, वेट ऑफ बॉल mg डाउनवर्ड। तो अभी तो ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन अगर मान लो इसको स्टेशनरी रखना है, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज में दे देता हूँ, कितना q' पॉजिटिव चार्ज हम दे दें, तो एक तो ये हमारे पास आ गया कि भाई नेचर ऑफ चार्ज इसको क्या दें, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव देने से क्या होगा, इस पर एक ऊपर की तरफ एफ रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। और अगर ये एफ रिपल्सिव और जो बॉल का वेट है ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, अपोजिट डायरेक्शन में है ही ये, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल है और कूलम्स फोर्स भी क्या है, सेंट्रल है, तो दोनों सेंटर पर लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम मैग्नीट्यूड के लग जाएंगे तो ये बॉल जो ऊपर वाली है वो क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ शर्त क्या बनी या कंडीशन क्या बनी कि भाई अगर एफ रिपल्सिव और वेट ऑफ बॉल अगर बराबर हो जाए तो ये बॉल किस में आ जाएगी, जो अपर बॉल है वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, एफ रिपल्सिव क्या है, कूलम रिपल्सिव फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, 1/4π ε0 क्यू, दूसरा हमने क्या लिया, एक तो क्यू लिया और एक हमने q' लिया, सेपरेशन हमने r² लिया, मास यानी कि mg। इसको सॉल्व करें, अगर हम 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू हमारे पास है, क्यू ही लिख लो अभी, q' कर लो, r कितना है, r' अभी r² ही चलने दो, मास को 10 कर लो, 10 क्या है देखो, ग्राम है, तो 10⁻³ करेंगे किलोग्राम बनेगा, और जी की वैल्यू 9.8, 10 ना लो क्योंकि मास बड़े हल्के हैं, ठीक है, तो इसलिए 9.8 ले ली। अब मुझे q' निकालना है, तो अब q' को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको करें 10⁻², 9.8 r², r कितना सेपरेशन है, यहाँ पर सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, 10⁻²² से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयर हो गया, डिवाइडेड बाय जो ऊपर वाली टर्म है 9×10⁻⁹ और एक क्यू, क्यू कितना है हमारे पास 5×10⁻⁸, तो ये सारे फैक्टर बन जाएंगे। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 5 से अगर हम चलें तो 5 से इसको अभी 5 को रहने दो, हम इसको ऐसे लिखते हैं 10×10⁻³, 9.8 भी ऐसे ही रहने दो, 10⁻⁴ हो गया। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई अगर हमने किया 10⁻⁰, ऊपर जाकर 10⁻⁻¹ और डिवाइडेड बाय क्या है 5, ये फैक्टर रह गया। और इससे आगे हम चलते हैं, 5 को भी ख़त्म हम कर दें, 2 आ जाएगा, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें अगर हम तो 6, और ये 19.6 हो जाएगा, और 10⁻⁴ अगर देखें हम 3, 7 हो गया, और 8 −8 कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इतने मैग्नीट्यूड का किस नेचर का चार्ज दे दें, पॉजिटिव नेचर का चार्ज दे दें, तो ऊपर वाली जो बॉल है वो रेस्ट में आ सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी या रेस्ट में अगर लेकर आना है तो उस पर नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बॉडी किस में आ जाएगी, स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगी। फिर ध्यान से देखो, यहाँ कैसे रेस्ट में लेकर आए, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगवाया, ठीक है, हमने इस बॉल की बात नहीं करनी, वो बात इसको स्टेशनरी की
कह रहा है फोर्स तो इस पे भी लगना है, ठीक है ये बात, फोर्स तो इस पे भी लगना है, लेकिन वो बात सिर्फ ऊपर वाली बॉल की कर रहा है, तो हम इसी की बात करेंगे, उसकी क्यों बात करेंगे, ठीक है। ऑफ मास 1 ग्राम ईच ऑफ चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम, दो पार्टिकल हैं जिनका मास कितना है 1 ग्राम, मान लो ये मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस ही हैं, ठीक है, मास इसका कितना है, मास है 1 ग्राम, ठीक है, इसका भी मास कितना लिया, 1 ग्राम ले लिया। इस पर जो चार्ज है Q1 2 माइक्रोकुलम है, और इस पर जो चार्ज बताया है Q2 3 माइक्रोकुलम चार्ज है। जॉइंट बाय एन इंसुलेटेड थ्रेड, इंसुलेटेड थ्रेड से जोड़ दिया इनको, चलो ये हमने इनको इंसुलेटेड थ्रेड से ज्वाइन कर दिया, ये एक थ्रेड से ज्वाइन कर दिया। लेंथ कितनी बताई है उसकी, 1 मीटर। सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, सिस्टम को किस पर रखा गया है, एक हॉरिजेंटल टेबल है उसके ऊपर रखा गया है, ये कोई भी हमने ले ली हॉरिजेंटल टेबल है, और क्योंकि ये स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ नीचे ना गिरे इसके लिए हमने सपोर्ट के लिए टेबल यूज़ कर ली। सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय देम ऑन ईच अदर, यानी क्या करना है कि हमें इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम सिंपल सी एक बात देखें कि ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये रिपेल करने वाले फोर्स क्या है, F1 और F2 कह दिया, हमने क्या करना, फोर्स अप्लाइड बाय देम ऑन ईच अदर, मान लो जो सेकंड चार्ज है फर्स्ट पर लगाता है F1 फोर्स, और फर्स्ट चार्ज F2 लगाता है फोर्स दूसरे चार्ज पर। एक बात हमें पता है कि ये जो F1 है और F2 है ये क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना F1 को अलग से निकालेंगे F2 को अलग से निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, चार्जेस अलग अलग हैं तब भी यहाँ पर क्या आएंगे, फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएंगे, यानी कि F1 और F2 की वैल्यू सेम आएगी, ये चार्ज जितना फोर्स इस पर लगाता है और ये वाला चार्ज जितना फोर्स उस पर लगाता है वो सेम ही रहेगा, चाहे चार्ज दोनों सेम हो, चाहे ये चार्ज कम हो वो ज़्यादा हो, या ये ज़्यादा हो वो कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स हमेशा क्या होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट, चाहे चार्ज सेम हो चाहे चार्ज क्या हो डिफरेंट वैल्यू के हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, F1 और F2 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 r² 9×10⁻⁹ Q1 और Q2, एक 2 माइक्रोकुलम है और एक 3 माइक्रोकुलम है, −10⁻⁶ सेपरेशन उसने 1 मीटर बताया, 1 स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6/54 10⁻⁴, ये कितना बनेगा 12, और ये कितना है 9, तो यहाँ पर −3 ये आ जाएगा न्यूटन, यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा दैट इज़ 54×10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, यही फोर्स इस पर लग रहा है और यही फोर्स इस पर लग रहा है, ध्यान देना फोर्स हमेशा क्या लगेगा, बराबर लगेगा। जैसे हमने ग्रेविटेशन में एक बात पढ़ी थी कि मैं ये पूछूं कि ये मेरे पास एप्पल है और ये यहाँ पर अर्थ है, तो बताओ कौन किस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, आंसर क्या बनेगा, सेम, जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को पुल डाउन करेगी उतने ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को क्या करेगा, पुल अप करेगा, यानी कि आंसर सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने 11th में भी किया, तो वही चीज़ कि फोर्सेस क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यहाँ भी वही चीज़ हमने यूज़ की है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है टेंशन इन थ्रेड, फर्स्ट पार्ट हो गया कि ये जो थ्रेड है हमारे पास इसमें टेंशन कितनी आएगी, टेंशन यानी कि ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे को इस तरह से खींचेंगे, खींचने वाला जो फोर्स है वो हम निकाल चुके हैं कि भाई इतना फोर्स है, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो टेंशन कितनी आनी चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं टी को भी 5/4×10⁻³ न्यूटन ही लिख दूँ, क्यों लिख दें हम, एक बात देखो, मैंने एक धागे को लिया और इस धागे को ये फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया, मान लो मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, धागे में खिंचाव कितना हुआ 1 न्यूटन, मैंने फोर्स 2 न्यूटन लगाया, धागे में खिंचाव या टेंशन कितनी 2 न्यूटन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब दोनों चार्ज इतना फोर्स लगा रहे हैं
ये जो वैल्यू लिखी है 54 × 10⁻³ न्यूटन, तो उसमें धागे में भी खिंचाव कितना आएगा, उतना ही तो आएगा। इसका मतलब जितना रिपल्सिव फोर्स है उतनी ही थ्रेड में क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट, ड्रम एंड चार 10⁻¹ ईच आर सेपरेटेड बाय ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये शब्द बड़ा काम आएगा। फाइंड कोफिशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ टेबल। क्या बताया गया, देखो एक इस तरह से कोई भी टेबल है और इस टेबल के ऊपर दो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। मास कितना बताया उनका, 1 ग्राम, 1 ग्राम ले लिया। चार्ज कितना बताया दोनों पर, 10⁻¹ कूलम, ठीक है। और ये टेबल पर रखे हैं, टेबल कैसी है, यहाँ पर रफ है यानी फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो उसने यही कहा है कि ये जो टेबल के ऊपर चार्जेस जो रखे हैं वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो होगा क्या, पहले ये देखो, जब दो चार्जेस दोनों पॉजिटिव नेचर के पड़े होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा है रिपल्सिव, और यहाँ जो फोर्स लगा है रिपल्सिव, दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये बराबर होंगे, इक्वल फोर्सेस लगेंगे। ये इधर भाग जाएगा और ये उधर भाग जाएगा, लेकिन इसको भागने से रोकना है, क्योंकि हमें इन चार्जेस को किस में रखना है, रेस्ट में। रेस्ट में जब रहेंगे, जब ये इधर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स के बराबर फोर्स इधर लग जाए, और ये कौन लगाएगा, क्योंकि टेबल रफ है, तो ये कौन लगाएगा, टेबल और इस चार्ज के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू आर लगना चाहिए। ऐसे ही उस पर भी म्यू आर लगेगा, अगर इसको भी रेस्ट में रखना है तो म्यू आर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ही हुई कि अगर टू फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो एफ रिपल्सिव का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर, डायरेक्शन अपोजिट है ही, कैंसिल करेंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा। नेट फोर्स इस पर कितना लगा, यहाँ पर नेट, जैसे कि पहले मैंने बताया कि नेट फोर्स जीरो रखने के लिए हम अपोजिट फोर्सेस लेंगे, और जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होंगे तभी बॉडी किस में आती है, इक्विलिब्रियम में आती है। तो यहाँ पर अब क्या करें, एफ रिपल्सिव 1/4πε₀Q1Q2/r² फ्रिक्शन क्या लिखते हैं, म्यू आर, वेयर म्यू इज कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में क्या पूछा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, और आर यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। आप सभी को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमें याद है कि जैसे किसी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास अगर m है तो इसका वेट कितना लगेगा, mg, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, कि बॉडी ज़मीन पर एक्शन करेगी तो ज़मीन इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा, यही क्या है, वो रिएक्शन जो हो रहा है उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है यानी कि नॉर्मल, वही यहाँ पर क्या, नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, रेस्ट में, तो ये आर और एम जी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एम जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू और ये एम जी बन जाएगा, इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ क्यू वन क्यू टू कितने, 10⁻⁻¹ 10⁻⁻¹ आर स्क्वेयर, सेपरेशन कितना है दोनों चार्जेस के बीच का, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 10⁻², और ये क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पर 9×10⁻¹, ऊपर की जीरोस को देखें 14 और 9, ये तो -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना है, देखो इसको 100 कर लें, 10⁻⁴ कर लें, फिर क्या आएगा, देखो एम जी नीचे आना है, एम कितना है हमारे पास, 1 ग्राम, 1×10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और जी कितना ले लेते हैं, 10, क्या बचेगा, बच जाएगा इधर म्यू, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। सॉल्व कर लो इसको, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, 9×10⁻⁵, सिर्फ देखें अगर जीरोस को तो यहाँ पर 1 और इसको ले लें 3, ये हो गया, देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -4 ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, +4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना बन गया, 0.9 बन गया। मासेज हैं
जिन पर मास एम है और चार्ज क्या है क्यू, ईच आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटेड थ्रेड ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की थ्रेड से सस्पेंड किए गए हैं। मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास, यानी किसका, थ्रेड का मास नहीं कंसीडर करना। इफ थीटा इज द एंगल ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाता है। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच, प्रूव करो कि ये सारी चीज़ें या चार्ज स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी, देखो क्या होगा। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इजी है। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से हमने दो इस तरह से मासेस को सस्पेंड कर दिए, ये दो मासेस हैं, ये सस्पेंड कर दिए हमने, ठीक है। एक बात क्लियर है कि जब हम सस्पेंड करेंगे ये दोनों टच करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको चार्ज क्यू देंगे सेम नेचर का, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब चार्ज क्यू इस पर आएगा, क्यू इस पर आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने के बाद क्या होगा कि रिपेल करने के बाद ये इस तरह से आ गए, क्योंकि उसने क्या कहा है, इफ थीटा इज द एंगल ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ हर एक स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है, थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ये यहाँ पर मास, ये यहाँ पर मास, इस तरह से ये सिचुएशन कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है और थीटा एंगल बनाता है। दोनों के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, एफ रिपल्सिव, और इधर भी क्या लग रहा है, एफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस तरह से ये कह रहा है वो। तब वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम आएगा तो चार्ज की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो वो इसके बराबर आएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि चार्ज हमने जैसे ले लिया, ये क्यू है और क्यू है, मास भी उसने कहा है कि दोनों पर क्या है, एम और एम है। तो फोर्सेस देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, शर्त वही है कि ये इक्विलिब्रियम में अगर लाना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, ज़ीरो लगना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। तुम देखो एफ रिपल्सिव फोर्स इधर लग गया, अब मैं इस पर लेता हूँ, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर क्या क्रिएट होगी, इस तरह से टेंशन टी, थ्रेड में टेंशन आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट बना लूँ, दो कंपोनेंट कैसे कि हम ऐसे कर लेते हैं, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है 11th में, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। यहाँ पर ये कंपोनेंट टी का अगर लें तो क्या बनेगा, टी साइन थीटा, और इस साइड क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा। ये बच्चे जानते हैं कि टी के दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिया, एक तो यहाँ थीटा एंगल के साथ क्या आता है, टी कॉस थीटा, और जो नहीं थीटा जिसके साथ नहीं है वहाँ क्या आएगा, टी साइन थीटा। बिल्कुल वही काम उधर कर सकते हैं, लेकिन हम उधर दिखाएंगे नहीं क्योंकि डायग्राम बड़ा अजीब, बड़ा भारी सा लगेगा, तो सिर्फ एक ही के ऊपर कर लो। तो यहाँ पर अब देखो ये जो मास है, इस मास पर लगने वाले फोर्स, एक तो इधर एफ रिपल्सिव, एक इधर टी साइन थीटा, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ठीक। तो मैं एक तो ये लिख लेता हूँ कि जो एफ रिपल्सिव फोर्स है और जो टी साइन थीटा है, ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है ही। इसी तरह से जो नीचे लगने वाला फोर्स है एम जी और ऊपर लगने वाला जो फोर्स है टी कॉस थीटा, ये भी बराबर होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन है ही, यानी कि टी कॉस थीटा और इस साइड हमने क्या लिख लिया, एम जी। अगर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक मास में आ जाती है तो वो किस में आ जाएगा, ये मास रेस्ट में आ जाएगा या फिर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, बस इसको सॉल्व करना है। डिवाइड कर लो एफ रिपल्सिव वैल्यू, एफ रिपल्सिव डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा। एफ रिपल्सिव की वैल्यू लिखो 1/4πε0 चार्जेस Q1 Q2 चार्जेस Q एंड Q, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है यहाँ पर, सेम है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन। सेपरेशन का नहीं पता, हम क्या करते हैं, सेपरेशन को ऐसे कर लेते हैं, इस पूरे सेपरेशन को हम x मान लेते हैं, चलो ये एक्स स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। निकालना क्या है हमें, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर तो एक तरफ कर लो, ठीक है, बाकी सब उधर ले जाओ, 4πε0 एक्स स्क्वायर एंड टेन थीटा ही आ गया। कुछ कुछ तो देखो मिल गया, 4πε0 टेन थीटा, एक्स स्क्वायर निकालना रह गया, ये मैथ्स का काम है, अभी निकाल देते हैं एक्स भी। देखो यहाँ पर ये एक्स है हमारे पास,
एक्स हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो कोई सी भी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ये कितना बनेगा, अगर इसको हमने एक्स माना तो ये एक्स बाय टू बनेगा, ठीक है, और ये साइड यहाँ पर कितनी है एल, क्या हम ये निकाल सकते हैं ये वाला पोर्शन कितना आएगा, इस पोर्शन का हम नाम लिख लेते हैं, सपोज़ ये क्या है हमारे पास डी है, डी, ठीक है, तो इस डी को अगर मुझे निकालना हो तो हम मैथ्स पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस, और क्या साइड बन जाएगी, ये एल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, ये साइड स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये बन जाएगा, और मैं अगर एक्स स्क्वायर बाय फोर की वैल्यू लूँ देन इट विल बी एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि d फैक्टर पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल में d का के बारे में कुछ नहीं बता रखा, हमें यहाँ पर d लेकर भी नहीं आना, हमें यहाँ पर अब d रिमूव करना है, चलो d को रिमूव करते हैं, d को कैसे रिमूव करें, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसको अगर मैं l की टर्म में लिखूँ तो साइन कोस टेन यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ करें हम यहाँ पर साइन कोस टेन, कि अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो क्या हो गया एक्स बाय टू, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना हो जाएगा एल, एक्स बाय टू इज इक्वल टू एल साइन थीटा, या एक्स इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास, पुट कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये डी करता, तो हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर क्या है 2l साइन थीटा स्क्वायर और टेन थीटा क्या बना 4 पाई एप्सिलॉन 0 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ आ गया। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की जो बात आती है वो समझ के चलो कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगने वाले क्या आएंगे, ज़ीरो, ठीक है, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी अभी, रेस्ट को ही मान के चलो, बट ये क्लियर है कि एफ नेट क्या लगेगा यहाँ पर, ज़ीरो लगेगा। 5 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट लोकेशन, ये पोजिशंस दी हुई हैं कि यहाँ यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फोर्सेज निकालने हैं वेक्टर फॉर्म में एफ वन टू एंड एफ टू वन एंड देयर मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बार याद कर लो हमने इस तरह से कोई क्वेश्चन किया था कि जब दो चार्जेस थे एफ वन टू और एफ टू वन क्या आएगा, ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पर मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये हमने क्यों बनाया, ताकि कोऑर्डिनेट शो कर सके, उसने कहा कि जो क्यू वन चार्ज है, सपोज ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये हमारे पास कोई चार्ज है Q2, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट Q1 के क्या है 1, 3, 2, यानी के 1, 3 और 2 है और इसके कितने हैं 3, 5 और 1 है, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमने ये बना दिया R1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बना दिया R2, ये बन गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो R1 पोजीशन वेक्टर है उसको क्या लिखोगे तुम, क्या i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप लिखा जा सकता है, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है 1 क्या है x एक्सिस पर चलना है, 3 कितना चलना है y एक्सिस पर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है j और z एक्सिस पर कौन सा यूनिट होता है k, तो 2k हो जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। इसी तरह से जो पोजीशन वेक्टर r2 बना वो कितना बनेगा यहाँ पर 3i कैप प्लस 5j कैप और फिर एक लास्ट के कैप, ये आर वन आर टू है, ठीक हो गया। अगर कोई कहे इनके मैग्नीट्यूड भी निकालो, ये देखेंगे इनके फॉर्मूलों में देखेंगे कि इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। अब हम लिखते हैं, चलो भाई एफ वन टू की वैल्यू लिखो क्या था, एक बार इस डायग्राम को भी देखो, हमें ये बात पता है कि ये मैंने ज्वाइन कर दिया, चार्जेस सेम है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पर रिपेल करेंगे, ये इस तरह से, ये मैंने एफ वन टू लिख दिया और ये जो फोर्स है इस पर मैंने एफ़ टू वन लिख दिया, एफ़ वन टू क्या रिपल्सिव फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, और इसी तरह एफ़ टू वन क्या रिपल्सिव फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन,
तो मैं F12 की वैल्यू अगर लिखूंगा तो कैसे लिखी जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 भी लिखा जाएगा, फिर सेपरेशन, ये सेपरेशन हमने क्या लिख दिया, R, चलो भाई R लिख दिया और R का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना था, याद करो यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R ये मैग्नीट्यूड है सारा और ये क्या है यहाँ पर डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है क्या बनेगी, ये F12 इस साइड जा रहा है, किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो ये मैं क्या लिख लूँगा, ये क्या है 2-1, ये क्या हो गया 2-1, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9×10⁻¹, Q1 Q2 अपॉन R, ये स्क्वायर करो, ये क्या बनेगा, R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, R21 मैग्नीट्यूड। अच्छा ध्यान दो, मैं इसको R, ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, R21 कहूँ या मैं इसको R12 कहूँ या मैं R कहूँ, सेम बात है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है, और हमें जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लेनी होती है वो वेक्टर नहीं होता, हमेशा क्या होता है, एक स्केलर होता है। तो हम यहाँ पर चाहे R12 लिखो, चाहे R21 लिखो, चाहे R लिखो, एक ही बात है। तो इक्वेशन क्या बन गई, 9×10⁻¹, Q1 Q2 कितना है देखो, 5 और 3 है, एक 5 माइक्रोकूलम है और एक 3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। R21 वेक्टर ये अभी लिखना है, R21 वेक्टर अभी छोड़ दिया हमने, फिर ये नीचे क्या है, R21 या R12 का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि जो R है, R12 लिख लो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, या R21 ले लो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर तुम। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ इसमें क्या रहेगी, R21 वेक्टर या R12 वेक्टर की ज़रूरत है हमें, निकालो। चलो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास R12 वेक्टर है उसको कैसे निकालोगे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पर आ जाओ। हमारे पास देखो एक वेक्टर ये है R1, एक वेक्टर है R2, और मैं अभी कौन सा वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, R21 वेक्टर, ये वाला R21 वेक्टर, R21 वेक्टर 2 से 1 की तरफ इस साइड है, तो मैं इस वेक्टर को कैसे शो करूँगा, ये क्या बन गया, R21 वेक्टर बन गया। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से R21, R1 और R2 में से कौन सा रिजल्टेंट है ऐसा वेक्टर जिसकी हेड हेड मिले और टेल टेल मिले, हेड हेड टेल टेल यानी R1, तो मैं ये लिखूँगा कि जो वेक्टर R1 है वो रिजल्टेंट है किसका, R2 का प्लस R21 वेक्टर का। R21 की वैल्यू हमें अगर हमें निकालनी है तो क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो, चलो ये R21 निकाल लो, R21 क्या बनेगा, R1 - R2 वेक्टर बन जाएगा। मींस अगर तुम R1 में से R2 सबट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास R21 वेक्टर आ जाएगा, कर लो, R1 में से R2 घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे क्या आएगा, -2i कैप, इसमें से ये घटाओगे फिर क्या आएगा, -2j कैप, इसमें से ये घटाओगे क्या आ जाएगा, -2j कैप, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +k कैप। तो ये R21 वेक्टर आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मोड कर दो इसका, मोड क्या बनेगा इसका, हमें पता है कि कोफिशेंट्स का स्क्वायर और सम कर देते हैं इसमें, हम कितना बनेगा, 4, 4, 1, 9, यानी कि ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है यहाँ पर, ये कितना बन जाएगा, 45 और 3, यहाँ 15, 1, 4, 12 और 1, 135 ये बनेगा, 10⁻¹ कितना बनेगा, 12 ये हो गया, 9 ये हो गया, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3, और क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R12 या R21 का मोड, मोड का क्यूब, क्यूब यानी कि 3×3×3 हो गया। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, R21 वेक्टर क्या है, -2i कैप -2j कैप +k कैप ही हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, 3 से करोगे तो 3 से 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 3 से 5 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5×10⁻³ -2i कैप -2j कैप +k कैप ये आ गया। इतने न्यूटन फोर्स कौन सा बना, F12 बन गया, ठीक है, हो गया, नहीं पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है, F12, अब F21,
क्या हमें F21 निकालने की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो F12 है उसी को अगर मैं माइनस लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, F21। मींस यहाँ पर अगर मुझे F21 वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, सारी वैल्यू यही है, सिर्फ साइन माइनस लगा दो, -5 10^-3, देन -2i कैप -2j कैप +k कैप न्यूटन, ये हमारे पास दूसरा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे की कैलकुलेशन में लगे रहो, एक की कैलकुलेशन करो और दूसरे को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कर देंगे। स्फीयर कंटेन्स +Q1 एंड +Q2 रेस्पेक्टिवली। ए चार्ज ऑफ DQ ट्रांसफर्ड फ्रॉम Q1 टू Q2, फाइंड न्यू चार्जेज ऑन स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या चार्ज होना चाहिए, क्या कहता है? देखो हमारे पास दो चार्जेज हैं, वन इज चार्ज Q1 एंड अनदर इज चार्ज Q2, दोनों ही पॉजिटिव पोलैरिटी के चार्जेज हैं। अब वो ये कहता है कि कुछ चार्ज यहाँ से रिमूव किया, यानी कि DQ चार्ज को रिमूव किया और इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो कहता है कि तुम्हें अब ये निकालना है कि इनके ऊपर नए चार्जेस कितने होंगे, सो दैट कंडीशन दी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि भाई Q1 डैश हो गया इस पर नया चार्ज, Q2 डैश, यानी कि मैंने मान लिया जो न्यू चार्जेस हैं वो Q1 डैश एंड Q2 डैश, ये मान लेते हैं, लेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो बिफोर शिफ्टिंग ले लेते हैं, यानी कि बिफोर ट्रांसफरिंग द DQ चार्ज, DQ चार्ज को ट्रांसफ़र करने से पहले का फोर्स क्या है, मैं लिखता हूँ, इट इज़ F1/4πε0 Q1 Q2 / सेपरेशन जो भी हो, R² ले लो, ठीक है, हमने ये कह दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पर आफ्टर ट्रांसफरिंग क्या बनेगा, F=1/4πε0 Q1 Q2। Q1 पे जो नया चार्ज है वो Q1 डैश है और वो कितना बना, Q1, और इसमें से हमने DQ निकाल दिया, इसी तरह से DQ इसमें ऐड कर दिया, तो नया चार्ज क्या बनेगा, Q2 डैश क्या होगा, Q2 + DQ, ये हो जाएगा। सेपरेशन यहाँ पर हमने R ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर असली चीज़ जो आपको देखनी है कि हमें फोर्स मैक्सिमम करना है, किसकी वजह से, जब तुमने चार्ज की ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर F2B मैक्सिमम, वो ये बन जाएगी DF/DQ = 0। क्या मतलब कि अगर वेरिएशन इन फोर्स विद चार्ज 0 हो जाए तो इसका मतलब फोर्स क्या हो चुका है, फोर्स इसका मतलब मैक्सिमम हो चुका है या कांस्टेंट हो चुका है, मैक्सिमम या कांस्टेंट। मैथ्स में भी ये कंडीशन आती है मैक्सिमम और मिनिमम की, जैसे मैं तुम्हें एक ये मैक्सिमम मिनिमम की एक सिचुएशन बनाता हूँ, मान लो ये फोर्स है और ये चार्ज है, मान लो चार्ज इंक्रीज होने के साथ, जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर मान लो कोई ग्राफ इस तरह से और ये इस तरह से हो गया, यहाँ तक इस रीजन में मैं अगर देखूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्स भी, या सॉरी चार्ज भी वेरी कर रहा है और उसकी वजह से फोर्स भी वेरी कर रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं अगर इस रीजन की बात करूं, यहाँ पर चार्ज में वेरिएशन हो रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स में वेरिएशन क्या हो चुकी है, बंद। चार्ज में वेरिएशन हो रही है, फोर्स में वेरिएशन बंद, यानी अपर टर्म क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन दूसरी क्वांटिटी के साथ बंद हो जाए, इसको वेरी करने से इसकी वेरिएशन बंद हो गई, इसका मतलब ये अपनी किस वैल्यू पर पहुंच चुका है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर DF/DQ = 0 हो जाएगा और यही कंडीशन हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स को निकालने में यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, D/DQ लिखते हैं और इनटू जो फोर्स की वैल्यू है वो लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है आफ्टर ट्रांसफरिंग, क्या देखो, 1/4πε0 Q1 प्रोडक्ट कर दो, Q1 Q2 हो जाएगा, फिर +Q1 DQ -Q2 DQ और माइनस
डी क्यू एंड होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन आ गई और ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। ठीक, अब आप ये देखो कि ये टर्म है उधर जाकर ज़ीरो, आर स्क्वेयर भी जाकर ज़ीरो, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी जो चार्जेस की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। क्या करें हम यहाँ पर, क्या बचेगा, डी बाय डी क्यू ऑफ व्हाट, क्यू वन क्यू टू प्लस क्यू वन डी क्यू माइनस क्यू टू डी क्यू एंड डी क्यू एंड होल स्क्वेयर विच वॉज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं डी क्यू का, ये वाली टर्म चार्ज क्यू वन क्यू टू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ज़ीरो हो गया डिफरेंशिएशन। इसी तरह से डी क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो प्लस क्यू वन, इसी तरह से यहाँ क्या आएगा माइनस क्यू टू, और यहाँ पर क्या आएगा टू डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब मैं डी क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, क्या ये ऐसे बन जाएगा वन बाई टू क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू डी क्यू, यानी कि हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है डी क्यू की, कि तुमने जो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र किया उसके लिए जो चार्ज, जो यहाँ पर चार्ज जो ट्रांसफ़र किया मैक्सिमम फोर्स के लिए वो इतना चार्ज है, और हमें क्या निकालने थे न्यू चार्जेस, न्यू चार्जेस लिख लो। अब न्यू चार्जेस जो बने इन पर वो क्या बना, एक तो क्यू वन डैश, क्यू वन डैश की वैल्यू क्या है, क्यू वन डैश की वैल्यू क्या है, जब क्यू वन में से डी क्यू निकाल दिया, क्यू वन माइनस डी क्यू कर दो, क्यू वन डी क्यू हमने निकाला हुआ है, क्या बनेगा यहाँ पर माइनस वन बाई टू क्यू वन माइनस क्यू टू, क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ वन बाय टू क्यू वन प्लस क्यू टू आ जाएगी। देखो क्यू वन एक है और यहाँ पर क्यू वन क्या है हाफ है, ठीक है, तो हाफ है तो फिर क्या होगा हाफ ही होगा, और ये भी हाफ है, माइनस माइनस प्लस है। ऐसे ही फिर मैं लिखूँ जो क्यू टू डैश है वो क्या है, क्यू टू डैश, क्यू टू तो ऑलरेडी है और डी क्यू हमने इसमें ऐड करवाया, क्यू टू तो ऑलरेडी है और डी क्यू इसमें ऐड करवाया, तो क्या बनेगा क्यू टू प्लस डी क्यू की वैल्यू ये लिखी हुई है क्या हाफ Q1 माइनस Q2, इसको भी तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट हाफ ऑफ Q1 प्लस Q2। यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो हाफ ऑफ Q1 प्लस Q2, हाफ ऑफ Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। साफ सी कहने की बात ये है कि दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स होने के लिए अगर उनका साइज़ बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, तब यहाँ पर क्या होना चाहिए, चार्ज बराबर बटा होना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है दो स्फीयर हैं उनके ऊपर अगर डिफरेंट चार्ज हैं फोर्स कितना होगा, जितना भी होगा बट मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम फोर्स लाने के लिए उनके ऊपर चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, आधे आधे, या यूँ कह लो कि दोनों पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सेम। जैसे मैं ये कह दूँ कि भाई 10 कूलम चार्ज है, इन दोनों को मैं किस तरह से बांटूँ कि फोर्स मैक्सिमम आ जाए, पाँच पाँच। अगर मैं ये कहूँ कि 6 कूलम चार्ज है, इन दोनों के ऊपर अब मैं किस तरह से बांटूँ कि फोर्स मैक्सिमम आ जाए, कितना, 3 3। तो ये आर्टिकल ये बताता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आर्टिकल कह लो या नुमेरिकल कह लो।